चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण की, और उसके बाद अभिभाषण के बाद जो दिया जाता है धन्यवाद प्रस्ताव यानी कि मोशन ऑफ थैंक्स पे। आखिर ये सब क्या है इसमें हम जानेंगे, संविधान के आर्टिकल 86 और 87 का क्या रोल है इसमें, और फिर चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने इस अभिवादन में क्या कहा है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जब भी कोई सरकार का कार्यकाल पूरा होता है तो उस सरकार के कार्यकाल में उस सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है, और वो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण इस साल द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। उस अभिभाषण के बाद सभी सांसदों को, जितने भी आपके राज्यसभा सांसद हो चाहे लोकसभा सांसद हो, उनको उस पर मोशन ऑफ थैंक्स यानी कि धन्यवाद प्रस्ताव देना पड़ता है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या है, और फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव क्या है। तो चलते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में इसलिए क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया है, उस पर चर्चा की है, और उन्होंने अपना एक जवाब दिया है। इस जवाब में जानने से पहले हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति के संबोधन की, राष्ट्रपति के अभिभाषण की, क्या हमारे राज्य में हमारे देश में संवैधानिक प्रावधान है। तो वो समझते हैं कि आर्टिकल 87 यानी कि अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति के लिए विशेष संबोधन का प्रावधान किया गया है, और इसमें दो स्थितियों को रखा गया है जिसमें जिसके तहत पहली स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया जाएगा। इसकी दो कंडीशंस हैं, प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र एवं वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में, और दूसरा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में। प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में भी राष्ट्रपति जो है अभिभाषण दे सकते हैं। राष्ट्रपति को सत्र आहूत करने के कारणों के बारे में संसद को सूचित करना होता है, इस आर्टिकल में ये प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा इस तरह के संबोधन को विशेष संबोधन कहा जाता है, और यह एक वार्षिक विशेषता भी है, यानी कि ये एक साल में होने वाला अभिवादन संबोधन है राष्ट्रपति जी का। इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किए जाने तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, यानी कि कोई भी लॉ पास नहीं होगा जब तक कि राष्ट्रपति जी का पूरी तरीके से संबोधन ना हो जाए। संविधान के अनुच्छेद 87(2) के अनुसार राष्ट्रपति के अभिभाषण में निर्दिष्ट मामलों पर चर्चा के लिए लोकसभा और राज्यसभा के प्रक्रिया नियमों के तहत प्रावधान किया गया है। राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषय नियमों के नियम 15 के तहत राष्ट्रपति के अभिभाषण में संदर्भित मामलों पर चर्चा एक सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए धन्यवाद प्रस्ताव जिस पर एक अन्य सदस्य द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है के साथ शुरू होती है। तो ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया में से एक है, परंतु ये संवैधानिक जो नियम है उनके अकॉर्डिंग ही होती है, जिसके कारण इसमें काफी विलंब होता है। संवैधानिक प्रावधान में जो तीसरा पॉइंट है कि धन्यवाद प्रस्ताव यानी कि मोशन ऑफ थैंक्स को आगे बढ़ाने तथा इस पर सहमति व्यक्त करने वाले सदस्य का चयन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, और इस तरह के प्रस्ताव का नोटिस संसदीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त होता है। तो यानी कि ये पूरी हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है जो हम देख सकते हैं, जिसमें संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों का महत्व होता है। इसमें आगे चलते हैं, इसमें प्रक्रिया क्या है, इस प्रक्रिया को भी हम देख लेते हैं। यह संसद के सदस्यों को चर्चा और वाद विवाद के मुद्दे उठाने तथा त्रुटियों और कमियों हेतु सरकार एवं प्रशासन की आलोचना करने का अवसर उपलब्ध कराता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया गया है, इसमें राष्ट्रपति जी जो है सरकार के 5 साल के कार्यों को संसद के सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन होता है विपक्षी दलों को, तो वो इस माध्यम से वो अपनी बात को संसद के पटल पर रख सकते हैं। आमतौर पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 3 दिन का समय दिया जाता है, क्योंकि ये काफी लंबी प्रोसेस भी होती है, जाहिर सी बात है इसमें टाइम लिया जाता है, तो इसलिए इसमें 3 दिन का समय निर्धारित किया गया है।
यदि किसी भी संशोधन को आगे रखा जाता है और उसे स्वीकार किया जाता है तो संशोधित रूप से धन्यवाद प्रस्ताव को अपनाया जाता है, यानी कि धन्यवाद प्रस्ताव में भी संशोधन किया जाता है। अगर इस प्रकार की कोई त्रुटि नजर आती है या फिर कोई ऐसा सुझाव मिलता है तो उसके जो परिणाम स्वरूप उसमें संशोधन किया जाता है, किया जा सकता है, यानी कि मोशन ऑफ थैंक्स यानी कि धन्यवाद प्रस्ताव को संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, संशोधन संबोधन में निहित मामलों के साथ साथ उन मामलों को भी संदर्भित कर सकता है जो सदस्य की राय में संबोधन का उल्लेख करने में विफल रहा है। यानी कि एक बहुत बड़ा व्यापक चर्चा का विषय कोई भी अगर संबंधित सदस्य को होता है तो वो इस संबोधन के तहत उठा सकता है, अपनी बात को रख सकता है। बहस के बाद प्रस्ताव को मत विभाजन के लिए रखा जाता है, यानी कि इसमें वोटिंग भी होती है। आमतौर पर वोटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है ताकि इस संबोधन को यानी कि मोशन ऑफ थैंक्स या फिर धन्यवाद प्रस्ताव को लोगों की सहमति मिले। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो पार्टी जिसकी सरकार होती है वो बहुमत में होती है तो आमतौर पर ये जो वोटिंग होती है उसमें पॉजिटिव तरीके से बहुमत से पास हो जाती है। मोदी ने अब इसमें मोदी जी ने क्या कहा है उसको हम देख लेते हैं। मोदी जी ने कहा है कि उन्होंने कांग्रेस के बारे में कुछ बोला है और कहा है कि देश और लोकतंत्र हार गया है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं जब एनडीए जीता है, क्योंकि एनडीए जो है मैंडेट जो है बहुमत से आया हुआ है। और इसके अलावा उन्होंने आयुष्मान भारत योजना पर चर्चा की, और ये पता है आपको आयुष्मान भारत योजना जो है बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा फ्लैगशिप प्रोग्राम है भारत की केंद्र सरकार का, और सभी राज्य इसको एडॉप्ट करते हैं। 5 लाख तक का इसमें आपको इंश्योरेंस दिया जाता है। तो आयुष्मान भारत पर और उसकी उपलब्धियों पर इन्होंने चर्चा की है, जिसमें उन्होंने बोला है कि इस योजना का लाभ 30 लाख लोगों ने उठाया है। इसके अलावा उन्होंने इस आयुष्मान भारत योजना को और इम्प्रूव करने के लिए सुझाव भी मांगे हैं, जिसकी वजह से वो आयुष्मान भारत को और अच्छे पैमाने पर और इसमें ज्यादा, जैसे कि कुछ सुझाव दिए गए हैं जैसे 5 से 10 लाख तक का इंश्योरेंस करने को बोला गया है, तो इस प्रकार के प्रावधान इसमें ऐड किए जा सके, इसलिए उन्होंने सुझाव भी मांगे हैं। उन्होंने कांग्रेस के लिए भी इसके बाद कहा है कि कांग्रेस ना जीत बचा पाती और ना हार स्वीकार कर पाती है। अगर हार कोई स्वीकार करता है तो जाहिर सी बात है वो अपनी कमियों को देखता है, उससे अपनी कमियों पर काम करने का उसको मौका मिलता है, और वो ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है ये काम कर नहीं रही है। इसके अलावा NRC यानी कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, जो कि अभी काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, असम में जो है लागू हो चुका है NRC, या पूरे भारत में NRC कराने का विचार किया जा रहा है, गृह मंत्रालय जो है NRC करा सकता है ऐसा उन्होंने कहा है चुनाव से पहले पहले। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत वासियों के सामने कि जो NRC जो कि हम कहते हैं कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन है, वो अभी आसाम तक ही लागू है, और उसके वहां पे हम लोगों ने बहुत सारे दुरुपयोग भी देखे हैं। कुछ लोग जो भारत के नागरिक थे उसके बाद भी वो NRC में रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं और उनको अपनी नागरिकता जो है खोनी पड़ रही है। हालांकि इसका एक जो विवाद का विषय है वो 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई से रिलेटेड है, लेकिन NRC को लागू करने के लिए ही जो है केंद्र सरकार इस 2024 के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें उन्होंने इसको अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है, और उन्होंने कहा है कि NRC जो है पूरे देश भर में लागू होगी। तो NRC के लिए ही उन्होंने कांग्रेस को कोसा है, और वो कह रहे हैं कि NRC जो है वो BJP पॉलिटिकल जो पार्टी है जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, हालांकि उन्होंने करवाया है, लेकिन श्रेय कह रहे हैं कि कांग्रेस को लेना चाहिए। हालांकि ये जो है दोधारी तलवार भी है, NRC का जो मुद्दा है वो बहुत क्रिटिकल मुद्दा है, और पूरे देश भर में लागू होना अपने आप में ही एक चुनौतीपूर्ण काम है, उस चीज को हमें सबको देखना चाहिए और NRC के प्रावधान को भी हम लोगों को देख लेना चाहिए। और इन सब चीजों के साथ ही मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने अपना जो धन्यवाद प्रस्ताव है उस पर अपना जवाब दिया है, और सबसे इम्पोर्टेंट कभी भी राष्ट्रपति के अभिभाषण होता है तो मोशन ऑफ थैंक्स यानी कि जब भी धन्यवाद प्रस्ताव होता है तो सबसे ज्यादा उसमें चर्चा प्रधानमंत्री
जो कि सरकार का हेड होता है उसकी रहती है, इसलिए उसके जवाब का सभी लोग इंतजार करते हैं और वहां से एक नया परिदृश्य और दृश्य देखने को मिलता है जिससे हमें समझ में आता है कि प्रधानमंत्री जी अपने सरकार के कार्यकाल के लिए कितने ज्यादा डेडिकेटेड थे, समर्पित थे, और यही कारण है कि उन्होंने अपना पूरा विजन बताया है कि क्या सरकार ने किया है। और अब अगर सरकार आती है उनकी तो 2024 से 2047 तक जो विकसित भारत की जो योजना है उस पर वो और ज्यादा अमल करेंगे, उसको और ज्यादा गति देंगे। तो आज के लिए हमारे सेशन में इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।